टाइमलेस पॉडकास्ट प्रेजेंस सादत हसन मंटो का अफसाना लाइसेंस, जिसे प्रोड्यूस किया है टाइमलेस अमृतसर ने और आवाज है भव्या कश्यप की। अब्बू कोचवान बड़ा छेल छबीला था, उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर वन था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था, उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो अब्बू के लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता गुजरता तो लोगों की आंखें खुद बखुद उसकी तरफ जाती। वह बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाट से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कितनी तिरछी बांधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और अधिक आकर्षक हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस ढंग से पकड़ी होती थी जैसे उनको उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता था कि घोड़ा इशारों के बगैर चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चन्नी दोनों एक है, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वे सांवरिया जिनको अब्बू कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उसको गालियां देती थी, कोई कोई बदुआ भी देती थी। खुदा करे इसका घमंड टूटे और इसका तांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। अब्बू के होठों पर जो हल्की हल्की मोछों की छाव में रहते थे, आत्मविश्वास की मुस्कुराहट नाचती रहती थी। उसको देखकर कई कोचवान जल भून जाते थे। अब्बू की देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर तांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजाया, मगर फिर भी अब्बू की इसी शान पैदा ना हो सकी। लेकिन उनको वो ग्राहक नसीब ना हो सके जो अब्बू और उसके तांगे घोड़े के शैदा थे। एक दिन अब्बू दोपहर के समय एक वृक्ष की छाया में तांगे पर बैठा ऊंग रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भनभनाई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा, एक औरत तांगे के पास खड़ी थी। अब्बू ने उसे मुश्किल से एक नजर देखा होगा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम से उसके दिल में चुभ गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, यही कोई 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, सुतवा नाक, उसकी फुनंग पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा, सर पर चदरिया। अब्बू के होठों की मुस्कुराहट शरारत में बदल गई। कुछ नहीं, लड़की के चेहरे की सांवलाहट में लाली झलकने लगी। क्या लोगे टेशन का, अब्बू ने उसको अपनी नजरों में समाते हुए कहा। तुझसे क्या लेना भाग भरिए, चला बैठना तांगे में। लड़की ने घबराते हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढका, हालांकि वे ढका हुआ था। कैसी बातें करते हो तुम, अब्बू मुस्कुराया। चला अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पांव रखकर तांगे में बैठ गई। जल्दी ले चल टेशन, अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए। हाय हाय तू तो, लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा, कई सड़कें घोड़ों के सुमो के नीचे से निकल गई। लड़की सहमी बैठी थी, अब्बू के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने लापरवाही से जवाब दिया, आ जाएगा, तेरा मेरा टेशन एक ही है। क्या मतलब, अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्लड़े क्या तू इतना भी नहीं समझी, तेरा मेरा टेशन एक ही है, उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अब्बू का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से इस बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस दुविधा में भी थी कि दोनों का टेशन एक हो या ना हो। अब्बू बांका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वे अपना टेशन छोड़ दे जहां उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी? अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है भागवरिये? घोड़ा मस्त खिरामी से दुल्की चल रहा था,
हवा गीली थी। सड़क के दोनों ओर खड़े वृक्ष भाग रहे थे, उनकी टहनियां झूम रही थी। घुंघरुओं की झनकार के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर बाद उसने घोड़े की बागे जंगले की सलाख के साथ बांधी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बागे मेरे हाथ में, लड़की ने सिर्फ इतना कहा। छोड़ भी दे, लेकिन वे फौरन ही अब्बू की बाजू में थी। इसके बाद उसने विरोध न किया। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ा कर उड़ जाना चाहता है। अब्बू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उसे कहने लगा, ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन कसम ग्यारहवीं वाले पीर की, ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। आप फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे राजकुमारी बना के रखूंगा। कसम वधूलाल शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तू मेरी ना बनी तो तेरे सामने अपना गला काट के रख दूंगा। फिर उसने लड़की को अपने से अलग कर दिया। जाने क्या हो गया मुझको, चलो आओ तुम्हें स्टेशन छोड़ाऊं। लड़की ने हौले से कहा, नहीं अब तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ले जाओगी अपना तांगा इस तांगे से आगे निकाल कर? उसका झुका हुआ सर उठा, आंखों में चमक पैदा हुई। भाग भरिए, कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब वो अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, तो ये है मेरा हाथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। वो जिला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका इनायत यानी नीति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने तांगा घोड़ा बेच कर तो नीति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए थे, लेकिन अपने जमा किए पैसों से उसको सोने की बालियां जरूर खरीद दी थी। कई रेशमी कपड़े भी बनवा दिए थे। लस लस करते हुए रेशमी लाचे में जब नीति अब्बू के सामने आती तो उसका दिल नाचने लगता। कसम पजतन पाक की, दुनिया में तुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं। वे उसको अपने सीने से लगा लेता। तू तो मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में डूबे हुए थे। गाते थे, हंसते थे, सहरे करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया कि अचानक अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अपहरण का मुकदमा चला। नीति अटल रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नीति अब्बू के साथ लिपट गई। मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी। जीती रह, तांगा घोड़ा मैंने दीने के सपुर्द किया है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली रहने लगी। दीना कुछ शाम को 5 रुपए दे जाता था, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। इसके अलावा मुकदमे के दौरान में रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ जमा हुआ था वे भी उसके पास था। हफ्ते में एक बार नीति और अब्बू की मुलाकात जेल में होती थी, जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही छोटी थी। नीति के पास जितनी जमा पूंजी थी वो अब्बू को आराम पहुंचाने में खर्च हो गई। एक मुलाकात में अब्बू ने नीति के बुच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, बालियां कहां गई नीति? नीति मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर अब्बू से कहा, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने गुस्से होकर कहा, तुम मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। नीति ने कुछ ना कहा, वक्त पूरा हो चुका था। मुस्कुराती हुई वह वहां से चल दी, मगर घर जाकर बहुत रोई, घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर रही थी।
इस मुलाकात में तो उसे उसने पहचाना ही नहीं था। तगड़ा अब्बू अब घुल घुल कर आधा हो गया था। नीति सोचती थी कि उसको शायद उसका गम खा रहा है। उसकी जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वे टीबी का मरीज है और उसे ये मर्ज वर्से में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा तगड़ा था, लेकिन टीबी ने उसे चंद दिनों में ही कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर भरी जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। खुद अब्बू इस यथार्थ से अनभिज्ञ था। जेल के अस्पताल में जब वो आखिरी सांस ले रहा था तो उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम फदूला शरीक की तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। और देख, मेरी एक निशानी है, मेरा थांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना। और चन्नी बेटे के सर पर हाथ फेर के कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजे। अब्बू मर गया, नीति का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में अकेली पड़ी रहती थी। शाम को दीना आता था और उसे दम दिलासा देता और कहता था, कुछ फिक्र ना करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से करूंगा। शुरू शुरू में तो नीति ना समझी, पर जब इसकी इद्दत के दिन पूरे हुए तो दीना ने साफ लफ्जों में कह दिया कि उससे शादी कर ले। ये सुनकर नीति के जी में आई कि वे उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी है। उस दिन से दीना के रवैये में फर्क आ गया। पहले शाम को बिना नागा 5 रुपए अदा करता था, अब कभी 4 देने लगा, कभी 3। बहाना ये कि बहुत मंदा चल रहा है। फिर 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना ये कि बीमार था या तांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था, इसलिए जोत ना सका। जब पानी सर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीना, अब तुम तकलीफ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी टाल मटोल के बाद दीना ने अंत में बड़ा मुंह बनाकर तांगा घोड़ा नीति को दे दिया। अब नीति ने तांगा घोड़ा माजे के सुपुर्द कर दिया, जो अब्बू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरखास्त की। नीति ने इनकार किया तो उसकी आंखें बदल गई, हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। नीति ने उससे तांगा घोड़ा वापस लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसे देने आया तो शराब में धुत था। ड्योढ़ी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खूब सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 रोज तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा रहा। घास दाने का खर्च अलग, ऊपर से तबेले का किराया। नीति अजीब उलझन में थी। कोई शादी की दरखास्त करता था तो कोई उसकी असमत पर हार डालने की कोशिश करता था और कोई पैसा मार लेता था। बाहर निकलती तो लोग बुरी निगाहों से घूरते थे। एक रात उसका पड़ोसी दीवार फांद के आ गया और हाथापाई करने लगा। नीति सोच सोच कर पागल हो गई कि क्या करे। एक दिन बैठे बैठे उसे विचार आया, क्यों ना तांगा में आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। अब्बू के साथ जब वे सैर को जाया करती थी तो तांगा खुद ही चलाया करती थी, शहर के रास्तों से भी वाकिफ है। लेकिन फिर उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में उसके दिमाग में कई दलीलें दी। क्या हर्ज है, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती। ये कोयले वालियां, ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें, घर में बैठकर काम करने वालियां तो हजारों होंगी, पेट अब किसी हीले से पालना ही है। नीति ने कुछ सोच विचार किया और अंत में निश्चय कर लिया कि तांगा अब वो खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा भरोसा था। अतएव अल्लाह का नाम लेकर वे तबेले पहुंच गई। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए, कुछ मजाक समझकर खूब हंसे। जो बुजुर्ग थे उन्होंने नीति को समझाया
कि देखो ऐसा ना करो, ये उचित नहीं, मगर नीति ना मानी। तांगा ठीक ठाक किया, पीतल का साजो सामान अच्छी तरह चमकाया, घोड़े को खूब प्यार किया और अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती तबेले से बाहर निकल गई। कोचवान आश्चर्यचकित थे क्योंकि नीति के हाथ निपुण थे, जैसे वे तांगा चलाने की फन पर हावी है। शहर में एक तहलका मच गया कि ये खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात की चर्चा थी। लोग सुनते थे तो उस वक्त का इंतजार करते थे कि जब वे उनकी सड़क पर से गुजरेगी। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर हो गई और खूब आमदनी होने लगी। एक मिनट के लिए भी नीति का तांगा बेकार न रहता था। इधर सवारी उतरी, उधर बैठी, आपस में कभी कभी सवारियों की लड़ाई भी हो जाती थी इस बात पर कि नीति को पहले किसने बुलाया था। जब काम ज्यादा हो गया तो नीति ने तांगे जोतने का समय निश्चित कर लिया, सुबह 7 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 से 6 बजे तक। ये सिलसिला बड़ा सुखदायक सिद्ध हुआ। चन्नी भी खुश था, मगर नीति महसूस कर रही थी कि अधिकतर लोग केवल उसकी निकटता पाने के लिए उसके तांगे में बैठते हैं, बेमतलब बिना उद्देश्य इसे उधर इधर फिराते हैं, आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते हैं, सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसको ऐसा लगता था कि वह तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। इसके अलावा उसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसास के बावजूद वे व्याकुल नहीं थी, अपने आत्मविश्वास के कारण वे संतुष्ट थी। एक दिन कमेटी वालों ने नीति को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। वजह ये बताई कि औरत तांगा नहीं चला सकती। नीति ने पूछा, जनाब औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? जवाब मिला, बस नहीं चला सकती, तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। नीति ने कहा, हुजूर आप घोड़ा तांगा भी जब्त कर ले, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत क्यों तांगा नहीं जोत सकती? औरतें खर्चा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें लेनों पर कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं, तो मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और कुछ नहीं आता, तांगा घोड़ा मेरे खाविंद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूं? हुजूर आप रहम करें, मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं मुझे? मैं क्या करूं बताइए ना मुझे। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहां ज्यादा कमाई है। ये सुनकर नीति के अंदर जो असल नीति थी जलकर राख हो गई। धीरे से अच्छा जी कहकर वे चली गई। औने पौने दामों तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। क्षण भर खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थी, जैसे बारिश के बाद चिलपिलाती धूप ने जमीन की सारी नमी चूस ली थी। इसके भिजे हुए होठ खुले और वे कब्र से मुखातिब हुई, अब्बू तेरी नीति आज कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहकर वे चली गई। दूसरे दिन अर्जी दी, उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया था।